वकीलों ने ग्राम न्यायालय में गठन का विरोध किया है और अंबेडकर पार्क में विरोध प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया। उन्होंने कहा कि ग्राम न्यायालय यहाँ शाहबाद में बनाया जा रहा है, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, वकीलों के बैठने की जगह नहीं है और नियुक्ति नहीं है, इसका विरोध किया जाएगा। बाल एसोसिएशन के पदाधिकारी ने ग्राम न्यायालय में समितियां गठित करके विरोध में सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। समाचार पत्र में एक न्यूज छपा था कि सीजीएम रामपुर ने एक जगह देख ली है और शाहबाद में ग्राम न्यायालय की स्थापना कर दी गई है और जगह मिल गई है और तस्दीक कर दी गई है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से और माननीय उच्च न्यायालय से ये पूछना चाहता हूँ कि आप ग्राम न्यायालय बना रहे हो, अभी तक यहाँ कोई अधिकारी की नियुक्ति नहीं हुई, किसी स्टैनो की, किसी पेशकार की, किसी चपरासी की नियुक्ति नहीं हुई, उनके बच्चे कहाँ पढ़ेंगे इसकी कोई व्यवस्था नहीं हुई, वो लोग कहाँ रहेंगे ये कोई व्यवस्था नहीं हुई, वकील कहाँ बैठेंगे वहाँ ये कोई व्यवस्था नहीं हुई, और इस सब के बावजूद वहाँ ग्राम न्यायालय बना दिया गया, वहाँ क्या सुरक्षा रहेगी इसकी कोई गारंटी नहीं। इसके अलावा हमारी बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने 2 बार विरोध दिवस मनाया है पूरे उत्तर प्रदेश में कि हम ग्राम न्यायालय नहीं बनने देंगे, ये न्यायपालिका में हस्तक्षेप है और न्यायपालिका के माध्यम से वकीलों को और न्याय व्यवस्था को कमज़ोर करने का प्रयास है, जिससे ब्यूरोक्रेसी और डेमोक्रेसी जुडिशरी पर हावी हो सके। हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम जब तक यहाँ पर संगठित हैं और पूरे उत्तर प्रदेश का एक अधिवक्ता कभी भी ग्राम पंचायत नहीं बनने देगा। अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा।